देखो इंडिया में कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट के ऊपर और एक सेगमेंट आता है जिसको मिड साइज एसयूवी सेगमेंट बोला जाता है, और इस सेगमेंट के अंदर जितनी भी कारें बिक रही है उनकी लेंथ आपको 4 मीटर के ऊपर देखने को मिल जाएगी। हालांकि इस सेगमेंट के अंदर फिलहाल के लिए क्रेटा का राज है, लेकिन क्रेटा को टक्कर देने के लिए कुछ दिन पहले मारुति सुजुकी ने ग्रैंड विटारा को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया था। इस वीडियो के अंदर मैं उन 7 मिड साइज एसयूवी कारों के बारे में डिटेल में बात करूंगा जो कि लास्ट मंथ यानी मार्च के महीने में पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा बिकी है। 7वें नंबर पर एमजी की एस्टर आ गई है, जिसके सेल्स में आपको काफी बड़ी गिरावट देखने को मिल जाएगी। पिछले महीने एमजी एस्टर के 1151 यूनिट बिके हैं पूरे इंडिया में, लेकिन पिछले साल के मार्च में 2248 यूनिट बिके थे। यहां पर एमजी एस्टर के सेल्स में लगभग 64% की गिरावट आ चुकी है। आज के डेट में एमजी एस्टर के अंदर 2 पेट्रोल इंजन का यूज किया जाता है, जिसके तहत आपको ठीक ठाक पावर आउटपुट मिल जाएगी, और एमजी की एस्टर इस सेगमेंट के अंदर सबसे कम माइलेज दे देती है। एआरआई ने इस कार का माइलेज क्लेम किया है 14 किलोमीटर पर लीटर से लेकर 15 किलोमीटर पर लीटर का। इन प्रैक्टिकल जब आप इस कार को चलाओगे तो आपको माइलेज और भी ज्यादा कम मिलने वाला है। हालांकि इस कार की कीमत स्टार्ट होती है 10,52,000 रुपीज से। बेस मॉडल की एक्स शोरूम प्राइस और एस्टर के टॉप मॉडल की एक्स शोरूम प्राइस 18,43,000 रुपीज तक चली जाती है, और एमजी एस्टर के ऊपर लगभग आपको 2 महीनों से लेकर 6 महीने का वेटिंग पीरियड देखने को मिल जाएगा। कुछ सिटीज में ये वेटिंग पीरियड और भी ज्यादा बढ़ सकता है, और कुछ सिटीज में वेटिंग पीरियड थोड़ा सा कम हो सकता है। अगर आप भी एमजी एस्टर को लेने की सोच रहे हो तो डेफिनेटली आप इस कार को कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन एक चीज यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहूंगा, इस कार के अंदर भी आपको काफी ज्यादा डिसएडवांटेज देखने को मिल जाएंगे। उसके ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, मैं एमजी एस्टर के पॉजिटिव और निगेटिव के ऊपर जरूर वीडियो लाने की कोशिश करूंगा, तो आप कॉमेंट सेक्शन में वो चीज जरूर मुझे बता सकते हैं। 6th पोजिशन पर फोक्सवैगन की टाइगुन आई है, जिसको लास्ट ईयर इंडियन मार्केट में लॉन्च किया गया, और लास्ट मंथ फोक्सवैगन टाइगुन के 1,976 यूनिट बिके हैं, लेकिन पिछले साल के मार्च में 2,380 यूनिट बिके थे, तो यहाँ पर आपको टाइगुन के सेल्स में लगभग 18% की गिरावट देखने को मिल जाएगी। टाइगुन के अंदर 2 पेट्रोल इंजन का ऑप्शन दिया जाता है, अगर आपको ज्यादा पावर आउटपुट चाहिए तो आप इसके अंदर 1.0 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन का ऑप्शन ले सकते हैं, जहाँ पर आपको ड्राइविंग के मजे डेफिनेटली आने वाले हैं। फोक्सवैगन की टाइगुन लगभग 18 किलोमीटर पर लीटर से लेकर 20 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे देती है, और ये माइलेज एआरआई ने क्लेम किया है। इसकी कीमत स्टार्ट होती है 11,56,000 रुपीज से। बेस मॉडल की एक्स शोरूम प्राइस और इसका टॉप मॉडल 18,96,000 रुपीज तक चला जाता है। तो यहाँ पर मैंने एक्स शोरूम प्राइस आपको बताई है, और इस वीडियो के एंड में मैं सभी कारों के प्राइजेस डिस्प्ले कर दूंगा, जहाँ पर आप कंपेयर कर सकते हैं कारों के प्राइजेस। इस कार के ऊपर आपको वेटिंग पीरियड ना के बराबर देखने को मिल जाएगा, हालांकि कुछ सिटीज में लगभग आपको 1 महीने तक वेटिंग पीरियड देखने को मिल सकता है फोक्सवैगन टाइगुन के ऊपर। इस सेगमेंट के अंदर फोक्सवैगन की टाइगुन और स्कोडा की कुशक ये 2 ऐसी कारें हैं जिनको अगर आप आज बुक करते हो तो इनकी डिलीवरी आपको जल्दी से जल्दी मिल सकती है। 5th पोजीशन पर स्कोडा की कुशक आई है, जो कि टाइगुन की बहन है, और कुशक के लास्ट मंथ 2,252 यूनिट बिके हैं, और पिछले साल के मार्च में 2,499 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको 10% की गिरावट देखने को मिल जाएगी। स्कोडा के कुशक के अंदर भी आपको लगभग सेम इंजन मिलेगा, सेम माइलेज मिलेगा, लेकिन इस कार की कीमत स्टार्ट होती है 11,59,000 रुपीज से। बेस मॉडल की एक्स शोरूम प्राइस और इसके टॉप मॉडल की एक्स शोरूम प्राइस 19,19,000 रुपीज तक चली जाती है। यहाँ पर आपको प्राइस डिफरेंस देखने को मिल जाएगा कुशक के अंदर और टाइगुन के अंदर। टाइगुन की जो कीमत है वो आपको थोड़ी सी कम देखने को मिल जाएगी, और यहाँ पर कुशक की कीमत थोड़ी सी ज्यादा रखी गई है। कुशक के ऊपर भी आपको ना के बराबर वेटिंग पीरियड देखने को मिल जाएगा, हालांकि इस कार के डिलीवरीज जल्दी से मिल जाते हैं, लेकिन कुछ सिटीज में इसके ऊपर 1 महीने का या फिर 2 महीने का वेटिंग पीरियड हो सकता है। सिटी टू सिटी ये चीजें वैरी करती है। 4th पोजीशन पर टोयोटा की हाईराइडर आई है, जो की काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रही है, और टोयोटा हाईराइडर के लास्ट मंथ 3,474 यूनिट बिके है, तो इस कार का सेल फिलहाल के लिए अच्छा खासा हो रहा है, और इस कार का जो सेल है वो आपको टाइगुन और कुशक से भी ज्यादा देखने को मिल जाएगा, जबकि टाइगुन और कुशक इससे पहले इंडियन मार्केट में लॉन्च हुई है। और हाईराइडर कार भी काफी बेहतरीन है, इसका लुक आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। इस कार के अंदर एक माइल्ड हाइब्रिड और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम का ऑप्शन दिया जाता है, जो कि पेट्रोल इंजन के साथ आता है, और सीएनजी किट के साथ भी आपको टोयोटा की हाईराइडर देखने को मिल जाएगी। पेट्रोल इंजन के साथ और हाइब्रिड इंजन के साथ टोयोटा की हाईराइडर लगभग
20 किलोमीटर पर लीटर से लेकर 28 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे देती है। और सीएनजी किट के साथ इसका माइलेज क्लेम किया है 26.6 किलोमीटर पर केजी का। तो यहाँ पर इस कार के अंदर आपको अच्छा खासा माइलेज मिलने वाला है। जो लोग ज्यादा ट्रैवलिंग करते हैं, दिन का 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर का रनिंग रहता है, वो लोग डेफिनेटली टोयोटा हेरेडर के सीएनजी मॉडल को कंसिडर कर सकते हैं, या फिर आप इसके स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मॉडल के साथ जा सकते हैं। हालांकि इसके स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मॉडल को खरीदने के लिए आपको आपका बजट काफी ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। इस कार की कीमत शुरू होती है 10,48,000 रुपए से बेस मॉडल की एक्सशोरूम प्राइस, और इसका टॉप मॉडल 19,49,000 रुपए तक चला जाता है। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मॉडल को खरीदने के लिए आपको 20 लाख रुपए के आसपास पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन इस कार के ऊपर आपको काफी ज्यादा वेटिंग पीरियड देखने को मिल जाएगा। कुछ सिटीज में इस कार के ऊपर लगभग 6 महीने का वेटिंग पीरियड चल रहा है, और कुछ सिटीज में 8 महीनों से लेकर 12 महीनों का वेटिंग पीरियड आपको टोयोटा हाइराइडर के ऊपर देखने को मिल जाएगा। तीसरे नंबर पर किया की सेल्टॉस आई है, जिसके सेल्स में आपको थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल जाएगी। और पिछले महीने किया सेल्टॉस के 6,554 यूनिट बिके है, और पिछले साल के मार्च में 8,415 यूनिट बिके थे। यहाँ पर किया सेल्टॉस के सेल्स में लगभग 24% की गिरावट आ चुकी है। किया सेल्टॉस के अंदर 2 पेट्रोल और 1 डीजल इंजन दिया जाता है, और ये कार लगभग 16 से लेकर 20 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देती है। और किया सेल्टॉस की कीमत 10,89,000 रुपीज से शुरू होती है बेस मॉडल की एक्सशोरूम प्राइस, और टॉप मॉडल 19,65,000 रुपीज तक चला जाता है। लेकिन सेल्टॉस का फेसलिफ्ट मॉडल जून या फिर जुलाई के आसपास इंडिया में लॉन्च होने वाला है। अगर आपको किया की सेल्टॉस ही लेनी है तो मैं आपको यही रिकमेंड करना चाहूंगा, आप इसके फेसलिफ्ट मॉडल के लिए डेफिनेटली वेट कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर आपको लुक थोड़ा सा अलग मिलेगा, यानी नया लुक मिलेगा। इसके अलावा इंटीरियर में आपको बहुत सारे नए फीचर्स भी देखने को मिल जाएंगे, तो डेफिनेटली आप किया सेल्टॉस के फेसलिफ्ट मॉडल के लिए वेट कर सकते हैं। करंट मॉडल के ऊपर लगभग 4 महीनों से लेकर 8 महीनों का वेटिंग पीरियड चल रहा है। सेकेंड पोजिशन पर मारुति सुजुकी की ग्रैंड विटारा आई है, जिसने इस सेगमेंट के अंदर आगे लगा दी है। और ग्रैंड विटारा के पिछले महीने 10,045 यूनिट बिके हैं। तो यहाँ पर इस कार का सेल काफी खतरनाक हो रहा है, और आने वाले कुछ महीनों में ये हुंडई क्रेटा को भी हरा सकती है। आपको क्या लगता है, ये हुंडई क्रेटा को हरा पाएगी कि नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। क्योंकि हुंडई क्रेटा के सेल्स में और ग्रैंड विटारा के सेल्स में आपको लगभग 4,000 का डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। इसके लॉन्च को कुछ महीने ही हो चुके हैं, लेकिन इस कार का सेल 10,000 के ऊपर जा चुका है। तो मेरे हिसाब से ये कार हुंडई क्रेटा को ऐसे ही मात दे देगी। इसके अंदर आपको वही इंजन स्पेसिफिकेशन मिलेगा जो कि हाइराइडर के अंदर दिया जाता है, और इसके अंदर भी आपको कंपनी फिटेड सीएनजी किट का ऑप्शन मिलेगा। पेट्रोल इंजन के साथ ये कार लगभग 20 से लेकर 28 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देती है। हालांकि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम के साथ आपको 28 का माइलेज मिलेगा, और सीएनजी किट के साथ अगर आप जाते हो तो वहां पर 26.6 किलोमीटर पर केजी का आपको माइलेज मिल जाएगा। ग्रैंड विटारा के अंदर भी कंपनी फिटेड सीएनजी किट दिया जाता है, और इस कार की कीमत 10,45,000 रुपीज से शुरू होती है बेस मॉडल की एक्सशोरूम प्राइस, टॉप मॉडल 19,95,000 रुपीज तक चला जाता है। इस कार के ऊपर आपको सबसे ज्यादा वेटिंग पीरियड देखने को मिल जाएगा, लगभग 3 महीनों से लेकर 12 महीने का वेटिंग पीरियड आपको ग्रैंड विटारा के ऊपर देखने को मिल जाएगा। क्योंकि इस कार की डिमांड काफी ज्यादा है, इसका सेल भी काफी अच्छा हो रहा है, उसी वजह से इस कार के ऊपर आपको काफी ज्यादा वेटिंग पीरियड देखने को मिल जाएगा। पहले नंबर पर हुंडई की क्रेटा आई है, जिसके पिछले महीने 14,026 यूनिट बिके हैं, लेकिन पिछले साल के मार्च में 10,532 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको लगभग 28% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। क्रेटा के अंदर 2 पेट्रोल और 1 डीजल इंजन दिया जाता है। ये कार लगभग 16 से लेकर 20 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देती है, और हुंडई क्रेटा की कीमत 10,87,000 रुपए से शुरू होती है, और 19,20,000 रुपए तक इसका टॉप मॉडल चला जाता है। ये मैंने एक्सशोरूम प्राइस आपको बताई है। और हुंडई क्रेटा के ऊपर आपको 6 महीने से लेकर 12 महीनों का वेटिंग पीरियड देखने को मिल जाएगा। तो ये 7 मिड साइज एसयूवी कार्स थी जो कि लास्ट मंथ पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा बिकी है। इस सेगमेंट के अंदर फिलहाल के लिए हुंडई क्रेटा राज कर रही है, लेकिन मेरे हिसाब से हुंडई क्रेटा फर्स्ट पोजीशन पर ज्यादा दिन नहीं रहेगी। हुंडई क्रेटा को ग्रैंड विटारा डेफिनेटली टक्कर देने वाली है। इसके बारे में आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। तो ये छोटा सा वीडियो था, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपने एंजॉय किया। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना।